लेगो सीजन 14 के घर से पहले हफ्ते पंजाबी सिंगर और मॉडल सारा गोरपाल एविक्ट की गई थी, जिसका फैसला बिग बॉस की ऑडियंस ने नहीं बल्कि बिग बॉस 13 के विनर और सीजन 14 के सीनियर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला ने किया था। दूसरे हफ्ते शहजाद दियोल को बिग बॉस 14 के घर से एविक्ट किया गया, जिसको लोगों ने सेकंड अनफेयर एविक्शन का नाम दे दिया और बिग बॉस 14 को नेपोटिज्म की दुकान बता दिया गया। वही इस हफ्ते भी बिग बॉस 14 के घर से चार ऐसे सदस्य नॉमिनेट किए गए हैं जिनकी वजह से ऑडियंस बीबी 14 को फॉलो कर रही थी। दरअसल शुक्रवार को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में तबादले की रात देखने को मिली, जिसमें इजाज खान ने रेड जोन के सभी सदस्यों को ग्रीन जोन में पहुंचा दिया और ग्रीन जोन से रुबीना, जैस्मिन, कविता और निशांत को रेड जोन में कैद कर दिया। इसके बाद बिग बॉस के नियमों के अनुसार ये चारों सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किए गए और ऑडियंस पर इन चारों सदस्यों के एविक्शन का फैसला छोड़ दिया गया, जिसके बाद रुबीना दिलेक को अपनी फैन आर्मी से काफी सपोर्ट मिल रहा है। जैस्मिन भसीन वो कंटेस्टेंट हैं जिन्हें इस हफ्ते सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर घर की नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कविता कौशिक को फैन ने काफी सपोर्ट दिया है और आखिर में निशांत सिंह मलखानी को सबसे कम वोट मिले हैं, जिसकी वजह से निशांत सिंह मलखानी इस हफ्ते घर से बेघर हो सकते हैं। आपको बता दें, ऑडियंस का मानना है कि शो से इस हफ्ते जान कुमार सानू को बेघर किया जाना चाहिए, क्योंकि जान कुमार को अब ऑडियंस नेपो किड के तौर पर देख रही है। फैंस का कहना है कि निशांत बिग बॉस के घर में रहना जान से ज्यादा डिजर्व करते हैं। पहले क्या इस हफ्ते भी मेकर्स निशांत को घर से बेघर करके एक अनफेयर एविक्शन करने जा रहे हैं, या फिर ये बिग बॉस की नई थीम अब सीन पलटेगा की वजह से हो रहा है? क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।